काफी ऐसा लग रहा है रात में भी, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लैग हमारा। है दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, मैं निकलने वाला था रात की, अभी हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। उस टाइम में सोच लिया कि थोड़ा खा लूँ, क्या है ना, रेलवे स्टेशन में जो खाना होता है उसका रेट बहुत, मतलब बहुत ही महंगा होता है, तो इसलिए तो आसपास में दुकान में जा रहा था। लेकिन उस टाइम मुझे एक नज़ारा दिखाई दिया, यहाँ पे एक सीन दिखाई दिया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो कि बस स्टॉप मतलब मेट्रो स्टेशन ये है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को फिर दिखा दूँ, तो इसलिए मैंने सोच लिया और मैंने मोबाइल उठा लिया। एक बार देख लीजिए इस, मतलब इस शाम का ना रंगील नज़ारा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप लोग भी एक बार सोच रहे हो दिखा दूँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख लीजिए। तो सामने है, जैसे कि सामने जो है ना वो है एमजीआर रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल, और ये है चेन्नई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। तो इस टाइम में है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं खाना खा के आ रहा था उस टाइम में देख रहा हो, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, सोच रहा हो कि आप लोग एक बार दिखा दो। तो देखिए रात में जो मेट्रो स्टेशन होता है कितना खूबसूरत होता है, मतलब इतना खूबसूरत बना दिया है यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आ गया एक्चुअली देख कर मुझे। ये जो है मेट्रो स्टेशन की कितना खुश है, और देखिए खुश डैमर बना दिया है, मज़ा आ गया। इसमें लाइट भी है, पूरा तरह लाइट है, मस्त लग रहा है एक्चुअली। और सामने जो है वो है सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो पूरा जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के ऊपर हुआ अभी क्या है ना, मेट्रो स्टेशन यहाँ से 3 मंजिल नीचे है, तो 3 मंजिल नीचे जाके आपको मेट्रो मिल जाएगा। तो देखिए पूरा पार्क जैसे बना के रखा है यहाँ पे, तो बहुत मस्त लग रहा है एक्चुअली, लोग बैठे भी है, मज़ा ले रहा है इस खूबसूरती का। तो मेरा तो ट्रेन दोस्तों, तो मैं अभी जाऊँगा यहाँ से रेल से, मतलब ट्रेन से जाऊँगा, क्योंकि बादशाह है ना बहुत लेट हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे जो कल सुबह की 8 बजे से पहले मुझे मेरा रूम पहुँचना है। अगर बस से चला जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है 10 भी बच सकता है, उस टाइम तक मुझे कंपनी में बहुत, मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्या है ना, रात का जो ट्रेन है वो ट्रेन पकड़ूँ, और ट्रेन जो होता है करीब, मतलब बहुत सारा ट्रेन है, तो मैंने सोच लिया नीलगिरी एक्सप्रेस, जो कि रात की 9:05 में यहाँ से शुरू हो जाएगी मेट्रो से, मतलब एमजीआर सेंट्रल से, तो मैं वही वाला से जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और टिकट मैंने ले लिया है, एक्चुअली जनरल टिकट ही ले लिया, क्योंकि मतलब उतना मुझे प्लेन नहीं रहते है कब कहाँ जाऊँ, जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं निकल पड़ता हूँ, तो इसलिए रिजर्वेशन करने का मुझे मौका नहीं मिलता है। तो आज जैसे कि मैंने बस से आ गया, और अभी तो मैं फिलहाल जाऊँगा ट्रेन से, तो कुछ दिखा दूँगा आप लोगों को हो सके तो देखते हो कैसे होता है आज का सफ़र। उस दिन तो ट्रेन से आ गया था, बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन आज पता नहीं, आज की उम्मीद है ज़्यादा है, यस ज़्यादा अच्छे से जा पाऊँगा, तो देखते हो आप लोगों को बाद में क्या होता है। तो मतलब यहाँ पे देखते हैं आगे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस जो लाइटिंग है ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्किंग का जो नज़ारा होता है वैसे ही है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको रात का टाइमिंग होता है अभी भी, तो मेट्रो मतलब चेन्नई से जो चेन्नई एमजीआर सेंट्रल है, तो आप लोग यहाँ आकर मज़ा ले सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को अभी मिलता होगा डायरेक्ट ट्रेन में जाके। दोस्तों एक बार देख लीजिए इस पूरा नज़ारा को, मतलब मैं अभी सेंटर में खड़ा हूँ, तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये है रेलवे स्टेशन, और इस तरफ वो है फ्लैग, इंडियन फ्लैग, काफ़ी ऐसा लग रहा है रात में भी, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लैग हमारा ही है, बहुत मस्त लगता है। और सामने है रोड, पूरा नज़ारा जो है रात में काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली सीट भी मिल गया है, उनको सीट, तो आज का तो सफ़र हो जाएगा, काफ़ी अच्छा ही रहेगा उम्मीद है, क्योंकि इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होने का चांस कम है बहुत, तो देखते हो कितना भीड़ होता है बाद में पता चलेगा। यहाँ पर तो भीड़ कम है, आदमी ज़्यादा है नहीं, और मुझे भी आसानी से मिल गया सीट, तो उम्मीद है कि ऐसा चला पाऊँगा।